In on that 10,800 mark, and that's courtesy ITC. Nigel spoke about HDFC earlier, and ITC has now too spiked to the high point of the day, supporting the or batting for the frontline index. But talking about FMCG stocks, the one company which has been the bane of all the FMCG companies over the last few years has now ramped up its foray in the non-FMCG business. Speaking exclusively to CNBC TV 18's Priya Sheth, Patanjali's managing director Acharya Balkrishna says that the focus for FY19 for the company will be to launch its apparels business under the brand Paridhan, also roll out solar panels for commercial sale. Hear him out. Interesting chat. अभी जो सोलर वाला शुरू किया था क्योंकि हम लोगों ने जितने भी अपने यूनिटें लगाई हमारे दिमाग में एक बात थी कि हम लोग सब जगह पर अपने सोलर पैनल लगाएंगे छत पे लगाएंगे तो मैंने मार्केट में पता किया तो मुझे पता चला कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं अपने यूनिट लगा लें तो अभी हमने यूनिट लगा भी लिया मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो गया बहुत बड़ा तो नहीं बट अभी हम लोगों ने करीबन अभी लगा रहे हैं छः मेगावाट पर मंथ है यानी कि करीबन 60 मेगावाट का हमारा प्लांट है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं एक्सपांड भी कर सकते हैं बट अभी देखेंगे अभी तो बाकी इतना ही कर रहे हैं तो ये सोलर पावर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग है कि पावर जनरेट भी करेंगे जनरेट करेंगे ना पैनल्स हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री में लगाने शुरू कर दिया है सब जगह पर अभी हम लोग 7 मेगावाट तो अपने तेजपुर में लगा रहे हैं 10-12 मेगावाट मेरे नागपुर में इन हाउस भी हम लोग लगा रहे हैं और दूसरों के लिए भी हम पैनल भी सेल करेंगे तो कब तक आप कमर्शियल करेंगे कमर्शियल स्टार्ट हो गया मेरा प्रोडक्शन अच्छा कितना आप मैन्युफैक्चर अभी तो अभी शुरू हुआ है अभी कुछ दिन से अभी हम लोग प्रक्रिया हमने शुरू कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्टील प्लेयर्स भी आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई दोस्तों सब करते हैं लोग लेकर के आते हैं नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं नई नई चीज़ों में लोग जोड़ना चाहते हैं पर हमको लगता है कि हम क्या क्या करेंगे तो क्या कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में जाने से संभालना कंट्रोल करना क्वालिटी कंट्रोल करना रिसर्च करना थोड़ा टफ होता है आपका जो ब्रांड था परिधान हमने बात की थी कपड़ों का ब्रांड था और उस पर क्या स्टेटस है कब लॉन्च होगा ये ब्रांड परिधान की पूरी तैयारी हो चुकी है पूरी टीम काम कर रही है डिज़ाइन और सारी उसके लिए और पूरी प्लानिंग के लिए काम कर रही है हम विश्वास करते हैं कि इस वर्ष जैसे मैंने बोला भी था कि 2018 के लास्ट तक में हम लोग करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम लोग अंतिम से तो ये कोलैबोरेशन जैसा होगा कि नहीं हमारा अपना ब्रांड होगा हम अपने ब्रांड से करेंगे परंतु हम मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़्यादा इन हाउस मतलब डिज़ाइन इन हाउस करेंगे पर मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी से करेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सक्लूसिव स्टोर की हम प्लानिंग कर रहे हैं एक्सक्लूसिव अपने शोरूम बनाएंगे और अलग अलग एरियाज में और अलग अलग हिसाब से हम लोगों का फोकस एरिया है जो हमारी मेट्रो सिटीज़ के अतिरिक्त भी जो हमारे दूसरे टाउन हैं शहर हैं उनमें हम लोग तो अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टोर्स होंगे परिधान के स्टार्टिंग में शायद अभी जो योजनाएं चल रही है हमारी लगभग 100 के लगभग तो हम स्टार्टिंग में खोलेंगे उसके बाद फिर प्लानिंग करेंगे